पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नाम पर मचा घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारों का उद्घोष करने का बीजेपी टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प होती रहती है। ताजा मामला हुगली जिले के आरामबाग महकमे के बसंतपुर इलाके का है। आरोप है कि जय श्री राम नारों का उद्घोष करने का एक बार फिर टीएमसी समर्थक भाजपा समर्थकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जम के घमासान हुआ। पूरा का पूरा आरामबाग बसंतपुर इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। घटना में बीजेपी के दो समर्थक बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आरामबाग महकमा अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इसके अलावा बीजेपी और टीएमसी कार्यालयों में दोनों पक्षों के समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़। बीजेपी कार्यालय में तृणमूल समर्थकों ने जम के तोड़फोड़ की। वहीं तृणमूल कार्यालय में हुई तोड़फोड़ का आरोपी बीजेपी के ऊपर लगा है। आरोप है कि तृणमूल समर्थकों ने बीजेपी के झंडे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आरामबाग थाने के पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में भी जमकर घमासान मचाया। स्थान स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 21 जुलाई को शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता में आयोजित जनसभा में जाने के लिए तृणमूल समर्थक एकत्रित हुए थे। ठीक उसी समय भाजपा समर्थकों ने जय श्री राम के नारों का उद्घोष किया। इस बात पर तृणमूल समर्थक भड़क उठे और दोनों पक्षों में जम के झड़प हुई। इसके बाद ही तृणमूल समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं तृणमूल के तरफ से आरोप लगाया गया कि भाजपा राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष के उसका में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने तांडव मचाया है।